फ्रेंड्स हमने आप जैसे आप देख सकते हैं पनीर हमने अपना फ्राई कर लिया और उसके साथ हमने अनियन अपने जो है वो ग्रेट करके रख लिए हैं। अब हम अपने अनियन ऐड करेंगे ऑयल के अंदर। तो फ्रेंड्स हमने अपने प्याज जो है वो ऐड कर दिए हैं उसमें थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। तो जो हमारे इसमें आज इन्ग्रीडियंट्स रहने वाले हैं मसाला पनीर में, वो हमारा है एक गर्म मसाला 1.5 टेबल स्पून। चलो क्वान्टिटी में आपको कितनी कितनी लेनी है वो उसमें भी शो कर दूँगा स्टार्ट में। तो हमारा एक गरम मसाला रहने वाला है, कश्मीरी लाल मिर्च रहने वाली है, उसके बाद हमारी हल्दी रहने वाली है। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं अब पिंच ऑफ इसमें पुदीने का पाउडर हम ऐड करेंगे, ड्राई पुदीने का पाउडर, और सौंफ जो हमारी है ड्राई सौंफ का पाउडर जो हमारा है, आप साबुत सौंफ भी ले सकते हैं थोड़ी सी ग्राइंड करके। तो जो हमारा मैंने इसमें सौंफ का पाउडर लिया है, तो जो हमारा सौंफ का पाउडर है वो इसमें हमारा 2 चम्मच रहने वाला है। आप इसको तीन स्पून भी रख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें हमारा मेन एसेंस जो इसमें आना चाहिए वो हमारा सौंफ का आना चाहिए, जो ड्राई सौंफ है हमारी। तो इसलिए ये हमारे इंग्रेडिएंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 100 ml, और अपना जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मसाले हमारे जो इंग्रेडिएंट्स रहने वाले थे वो हमने इसमें सारे ऐड कर दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला पनीर बन के तैयार हो गया। तो बड़ी अच्छी सी और बड़ी इजी सी रेसिपी है, तो आप भी ट्राई करें इसको घर पे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा हो सकता है, और आप भी ट्राई करें इसको। थैंक यू गाइस, एक नई रेसिपी के साथ 1 या 2 दिन में आपके साथ दोबारा मिलते हैं।